क्या बोले हैं दुष्टर? अरे आई तो तोई याद धर्म की, आज अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती चेला किन के थे? दोनों ही चेला बलराम के थे। बलराम के दोनों शिष्य थे। आज जिस समय भीम गदा का वार करते थे तो दुर्योधन की छाती पर लोहे जैसी आवाज आती थी, लोहे जैसे, क्योंकि शरीर वज्र का हो गया था। और जब दुर्योधन चोट करता था तो भीम के शरीर में तो खून की धार आती थी और कुन्हा के बैठ जाते धरती पर। तब कही अर्जुन ने, कह नहीं आते कि प्रभु आज भाई अंतिम लड़ाई है, जब जीते हो को कन्हैया ने की पारथ बल भीमसेन में जा दे और बुद्धि दुर्योधन में जा दे, तो बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो भैया ऐसो करो प्रभु कि 18 दिन जिता लाए तो निका आज और कैसी लाज राख दे। राम सुंदर ने कहा पारथ भैया पीछे ताऊ भैया खड़े हैं। त्यारो भैया ने एक मेमा चिताई ले भीम तो इशारो दे दू, चूंकि बलराम पीछे खड़े हैं। तो जी तुमने देखिए द्वे मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं और एक उन्हें कमजोर पत्तो है, तो फिर दिख भैया ने वहां देखो तो कोई जय कह दे कुश्ती पर परे छोड़ो। जब भीम की काया पस्त भई है और तब भगवान श्याम सुंदर वहां नजर करी और जो कन्हैया की नजर मिली है क्या, अरे तब कर दो श्याम इशारो। भैया भीम बहुत अच्छे लड़ रहे हो, जे ताते तरह मेरी कबूना देखे। ओ भैया भीम, कन्हैया कह रहे ताऊ भैया पीछे ठाड़े क्या, भीमसेन भैया लड़ तो बहुत अच्छे रहे हो परी भीम सारे को जाना ना हारो और खींच के मारो जाना। जंगा टूट गई, दुर्योधन जो धरती पे गिरा, बलराम पीछे ही खड़े। सो बलराम ने कही कि भीम, कहिए गुरुजी गदा की लड़ाई तुम्हें किन्ने सिखाई? गुरुजी तुमने तो फिर हमने जेव बताई होई कि जब लड़ाई के मैदान में गदा चलते है तो चोट का मारी जाते। गुरुजी गदा की चोट मारी जाते कमर के ऊपर, तो फिर जब कमर के ऊपर मारवे को नियम हो तो नीचे किनके कहते मारी है आवाज बंद, चूंकि सिकवैया तो कोई और हो जो आवाज बंद भाई है। बलराम को क्रोध बढ़ा, जीवन में ध्यान रखना इतना बड़ा बलवान और इतना बड़ा बल आज तक किसी की काया में नहीं आया जितना बल बलराम में था। और बलराम का बल आज भी अगर कोई देखना चाहे तो वो मौजूद है, अब भी मौजूद है। कोई अगर देखना चाहो तो मेरठ के पास पड़ता है हस्तनापुर गांव, अब भी है। तो ये भागवत का ही लेख है, हस्तनापुर एक तरफ को ऊंचा और एक तरफ को नीचा है पूरा ही बिल्कुल 45 अंश के कोण पर बसा हुआ है। ये बलराम की देन है।
कैसे हस्तिनापुर को एक तरफ से उखाड़ के पलट दिया था, ये भागवत में लिखा हुआ है। तो आज बलराम जब क्रोध में आए तब कही अच्छा तो सुनो भीमसेन अलग हटो, क्या बोले, अरे यवाया जाओ पाछौ भैया, जाते रहते हैं। इतने धोखे से तुमने दुर्योधन को मारा है तो जा दुर्योधन की तरफ से अब मैं लड़ूंगा, पांच और तुम्हारा छठे जाता है मददगार हमें। कन्हैया ने की बिल्कुल बनी बनाई बात पर पटेला फिर को सही दोनों हाथ जोड़े दाऊ भैया इतना क्रोध, तुम जी कह रहे हो कि जाते रहते अनित थे तो भैया तुमने अनित आज देखी है और मैंने जा दुर्योधन की अनित नित दिन देखी है, तुमने आज ही देखी है। तो सुनो जिस दिन छोटी उम्र में भीम को जहर खिला करके नदी में बहा दिया था तादना नीत नाई लाक्षाग्रह भवन में ये छऊ महतारी को सहित सो रहे थे तो सोवत भय मकान में आग लगाई तादना नीत नाई, जाते जुआ के खेल में सब संपत्ति धोखे थे छीन ली, द्रौपदी को बीच सभा में नगिन किया जा रहा था तादना नीत नाई, 16 वर्ष के अभिमन्यु को संभारतियों ने घेर के रण में मार दिया तादना नीत नाई। सो आज तुम्हें अनीत दिखाई दे रही है, तादे दाऊ भैया जालंग तो जो होनो सो है गो, पर दूसरी बात में जी है कि तुम 18 दिन में आयो तीर्थन में तो मोए 18 दिन है गई नकी लड़ाई में कोई द्वारे कही थे ना बासन निकाल ले गो हमारे ते आए तादने के पल्लंग देख ले। सो दाऊ भैया भेज दे पल्लंग और पांडवों का शंख बज गया। अब अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार ये तीन बचे थे। सुनो तीन क्यों बचे थे, आज ये कथाएं सुनाई क्यों जाती है, उन हमारे पूर्वजों के बल को और बखान को उनके चरित्र को सुनकर के आज हम तुम ये महसूस करते हैं कि जो उन्होंने किया अगर उस कर्म को हम भी कर दें तो ऐसा ही नाम हमारा हो जाएगा। पर सुनो ऐसे नहीं होगा, अंग्रेजी में कहावत आती है कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, अगर धन चला गया तुम्हारी जेब से तो कुछ नहीं गया, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो समझो कछु चलोगा वो। तीसरे नंबर पे है कि करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तो कोई संपत्ति तुम्हारे पास बची नहीं है, बिल्कुल नंगे हो गए हो उसी समय। वो चरित्रवान थे कितना बल रहा होगा कि अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य तीनों वीर अंतिम दिन युद्ध में एक ही रथ पर खड़े थे, एक ही रथ पर, और इन्हें सोची का ही कि अकेले अकेले लड़के जब भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण जैसे पर अर्जुन ना मरो तो ऐसा करो तीनों एक ही रथ पे आओ और तीनों धनुष एक ही साथ चलेंगे जब अर्जुन पे तब देखे कौन बचाता है। तो भगवान कन्हैया ने सोची कि भीम अब तीनों ही महान विद्याधारी हैं, तीनों ही बाणधारी हैं और तीनों की चोट अगर अर्जुन पे एक ही संग पड़ गई तो मामलो बिगड़ ही सकत हुए, तो फिर प्रभु तुम बताओ क्या करें, रथ के नीचे को सो। सो भीम पैंतरा काट के वो तीनों वीर जो रथ पर खड़े थे आज तीनों के रथ के नीचे चले गए थे। देखिए कितना बल रहा होगा कि तीनों तो उनको वजन पूरे रथ का वजन घोड़न का वजन सारथी का वजन आज इतने वजन को भीम ने भुजाओं से उठा लिया और नीचे रथ में बैठ के उठा के और जो बल करके फेंको सो द्रोणागिरि पर्वत पर जाके गिरे तीनों, कितना बल रहा होगा।
आज जो बकरिया ना फिर गई तक तक वो शक्ति कहां चली गई? हमारे गांव के परीक्षित जी एक राजा राम भाई साहब है ललारे जा तुम चैनल नु कद्दो बंद चुक जाते बता देते इतना लड़ू पर है मते चुको जी जाते नेट पे जा सु दुनिया सुनते फिर कहां रे चैनल भाई दोनों ने बंद कर दो जाए हां जाऊ कद्दी बेटा ने पाए तो अश्वत्थामा जब घोंटन के बल बैठा है तो दुर्योधन के शरीर से खून चल रहा था, खून चल रहा था, रात का समय था। तब कही है अश्वत्थामा ने दुर्योधन से, क्या जिनकी और करत पखेरू छाई प्यू नहीं पीर रहे दुनिया में, नाश हो गया तब भी क्या कह रहा है कि मैं पांडवों का नाश चाहता हूं। पांडवों का विनाश चाहता हूं, पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। और अपनी चंगा में खून लेकर अश्वत्थामा के तिलक कर दिया कि मेरा सेनापति अब तू है, अब बताओ सेनापति बनाऊ देवे तो तू करे होगा। लेकिन अभिमानी था अश्वत्थामा, चले कृतवर्मा कृपाचार्य को लेकर के। देखिए युक्ति क्या बनाई है, उल्लू देखा है तुमने, लक्ष्मी की सवारी है बाबा उल्लू पे, पर जा उल्लू ने जीवात कही एक दिन लक्ष्मी मैया आते कि मैया तुम्हारी पूजा होती है दीपावली वाले दिन, और मैं तुम्हें दुनिया में धरे डोंदू कंधा पे पर मेरी कोई पूजा ही नहीं करता। लक्ष्मी ने की चिंता मत करे, मेरी पूजा होता दीपावली वाले दिन, दीपावली ते ठीक 11 दिन पहले जब दुनिया में उल्लू ही पूजे जाएंगे। आगो समझ में तो आ ना हो, 11 दिन पहले कौन सा आता त्योहार, बस करवा चौथ आते। अरे भगवान करवा चौथे वाले दिनासो दिनागर रोजीना बनो रहे तो कछु कहनो ही का। अरे राम बादना तुम्हारी सब देखो तुम हैं कपड़ों पे रह जाए रोटी दही आते पस्सी के पानी उदो जाते तीन तीन बेर बेबे तो भाषा धरऊ आते हैं ताको कहनो ही ना है। और बेदना रोज बने रहे हैं, अरे भगवान स्वर्ग नहीं है तो मुझे मान लिया तुम, ये तीन दिन ना है पावत करवा चौथ है कटना बात और ने कहू बात बनोगे जो चेटिका बज जा तू मरी गई बात ना भूखन रहते रहते पीछे में ऐसा नहीं, पहले कर्म की साधना करिए।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ये रामायण गोस्वामी जी बता रहे हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा और कहीं वचन पति पद मन प्रेमा। पति के चरणों में ध्यान रखो, पति के हुक्म का पालन करती रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा व्रत है, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज उल्लू पेड़ पर रहता था, 100 कौआ रहते थे, तो वो 100 कौआ दिन में उल्लू मारते थे। ये आया महाभारत में। अरे बाल भाई बेटा उधर मत। तो तीनों भाई पेड़ के नीचे जग रहे, चितेरे ऊपर अश्वत्थामा जग रहा था, द्वे तो सोई गई। सो उल्लू जग रहा था, उल्लू ने एक कौआ की गर्दन पकड़ी, अलग ले वो मारे आओ, दूसरे पकड़ ले को फिर मारे आओ। सोते हुए कौआ को रात में मार रहा था अश्वत्थामा ने, की बन को काम जगत में 18 दिन में एक कुना ने बटो। अच्छा आज तो माफ है, देखो रुपया के आते हैं, जो फोन 15,000 आ जाए, 10,000 को आ जाए, खूब राजी थे। सुन लो, कल के बाद काऊ को बजगो फिर यो मत कहियो, मोती को गुरु जी जाए, 2 टुकड़ा है गए, फिर ले दो मोल, बिल्कुल तोड़ दूंगा, बीच में से 2 हो जाएंगे, कहां पेन तो फोन ला रहे हो ना कोई। अच्छा एक कैसी बात है, जे मोए सबसे बड़ी तो दूधिया भैया जावाती मोए हसी आते है, कि जे ईमानदारी थी, एक पांचवी क्लास पास ना आयो, मैंने बस सन 89 में बीए करी सरकारी स्कूल थे, सोचे मोए तो बिल्कुल 0 मानते हैं पैसा मने, क्या कहते हैं बिल्कुल ना कि ना कोई फोन कहा ये ना कहू को ना बजरो। वो जब खूब मालूम है, मशीन बता रही है, मशीन बता रही है साउंड की, जिस समय मोबाइल की घंटी बज जाएगी वही समय जी चा 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 कत्तो अलग दूध तय दिख जाता है। तो वो तो क्या कहते हैं कहू ना कि ना को कहाँ बजरो कहू को ना है धन्य तुमको, पर आज छूटा, आज के बाद छूट नहीं है, देख लेना तुम। जिस समय व्यास गद्दी पर मैं स्वयं आता हूं, फोन यहीं रहता है, ऐसी बात ना हम पे हुआ तो है, पर उसी समय स्विच ऑफ कर देता हूं मैं, 5 बजे 5:30 बजे के बाद खुलेगा, वही सिस्टम अपना लीजिए। आज समझ में ध्यान रखना, आज अश्वत्थामा ने विचार किया, अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि जियत पे लड़त पे तो एक ना मरो, जे ऐसे मरेंगे तो पांडव आज भगवान कन्हैया लेकर के चले गए। द्रौपदी अपने 5 बेटाओं को लेकर के सो रही थी शिविर में, और आज अश्वत्थामा ने दोनों जगह आए, कृतवर्मा कृपाचार्य के मामा, अब चल चलो। तो जैसे डेरा पर पहुंचे, एक महात्मा जी समाधि लगाए बैठे थे, महात्मा अश्वत्थामा ने 500 बाण खींच के मारे, 500 500 बाण इतने पेट में घुस गए, उतर निकले नहीं, 500 ही फिर मारे इतने घुस गए, उतर निकले नहीं। अश्वत्थामा ने की जो सादा बाबा ना है, एकदम कुंड में कूद गया, कुंड में कूदे से भोले बाबा थे, वो भोले बाबा ने निकाल लिया, क्या चाहते हो बेटा? बाबा मैं थोड़ी देर डेरा में जाना चाहता हूं। तो बेटा गेट को तो मैं रखवा रही हूं, पीछे तो चले जाओ। तो बाबा पीछे त्रिशूल घूम रहा हुआ, तो भस्मी दे दी उस कुंड में से, इस भस्म को मार देना त्रिशूल लौट जाएगा। आज पीछे तो तीनों चोर घुसे, सोता बंधु सेना सो रही थी, आज चैन तो सो पाए, द्रौपदी सो रही थी, 5 बेटा सो रहे थे पास में, और आज अश्वत्थामा ने जिस समय डेरा को काटा है, हुआ क्या है? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे ते गजन करमे डाटी लई, अरे जने भी तरह धरी दो पाँव सेन सब को मत काटी दई, अरे जने भी तरह धरी दो पाँव
स्वर्ग हुए तलवार चाहिए। एक बात ध्यान रखना, बखत परे पे काम नया में इन बंदिन की प्रीत कहा है, ते मुसीबत में जो धोखो ऐसन की तो रीत कहा है, और सोबत छत्री को शीशु काट दे ऐसी रड़ में जीत का है। सरकार थी, लेकिन पांचों पुत्र ऐसे लगते थे मानो पांचों पांडव सो रहे हो। आज शीश लटका के लाया है और दुर्योधन के सामने रख दिए, ले ओ, अब तो खुशी हो। अरे अश्वत्थामा, ये शीश काट के निकल, महाराज ये पांचों पांडव हैं, जैसे पांडव लगते थे वैसे द्रौपदी के पांचों बेटा लगते थे। तब कही दुर्योधन ने, मैंने तो एक बात कही, क्या तो प्राण निकलेंगे ज्यादा सुख में और क्या निकलेंगे ज्यादा दुख में। तो अश्वत्थामा ने एक बार तो कही हुई कि सबो कुनवा मरगो तो दुखी ना हो, लेकिन महाराज सुखी कब हो गए, सुखी में तब होगा तब पांचों पांडवों के शीश देख लू कटे हुए। तो वो पांचों सिर सामने रख दिए। दुर्योधन ने कही एक काम करे अश्वत्थामा, सबसे पहले ने कहा भीम को शीश दे दे। तो भीम के बेटा का सर बड़ा था, बड़ा शीश था, सो बड़ा सर उठा करके दे दिया कर ले। सो वो शीश पकड़ लिया दुर्योधन ने और तब कही अरे दुष्ट, तेने धोखे थे मेरी जांग तोरी, आज बदलो बराबर है पाओ है। सो वो शीश जब पकड़ो दो हाथों से दाबो है भाव का है, शीश कहो जब हाथ दे और करी सूजे और बूजे दाब दे ती फट गयो जैसे फटता तरबूज है। जैसे दोनों हाथ से दाब दई शीश के हजारों टुकड़ा हो गए, एकदम शंका भई दुर्योधन को। अश्वत्थामा कहिए महाराज ने कि भैया मणिर को ने प्रकाश उजी तो करिए ने, क्यों क्या बात है भैया, बात कचना भीम को शीश इतना कमजोर कहीं, भीम को शीश इतना कमजोर ना है जो नेक ताब दे तो फट जाए। सो जैसे आज अश्वत्थामा ने मुकुट उतारा है और मणियों का प्रकाश किया है तो द्रौपदी के पांचों बेटा पहचाने अश्वत्थामा ने। अरे तवाहा